बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 43 हैशिंग एनिमेशंस। हैशिंग फंक्शन को देखा, इसकी स्ट्रेटजी देखी और इसके तीन सॉल्यूशंस देखे हमने। उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, कोलिजंस को दूर करने का लीनियर प्रॉबिंग जिसमें नियरेस्ट एड्रेस देखते थे, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग कि उसके अंदर हम हैश फंक्शन ही और अप्लाई कर देते हैं, लिंक लिस्ट चैनिंग के आगे लिंक लिस्ट बना लेते हैं, तो इस तरह हैशिंग के कोलिजंस को दूर किया जा सकता है। इसमें इसकी डिटेल है और थोड़ा सा कोड डिस्कस किया होगा। एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग है, कहां कहां इसका यूज हो रहा है, और व्हेन हैशिंग इज सूटेबल, थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कोई इसमें वो अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग है डेटे को तरतीब देना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। सॉर्टिंग इंटीजर्स, अगर ये है हमारे पास एरे में डाटा पड़ा हुआ है और ये सॉर्टेड डाटा है, तो इसके मुख्तलिफ मेथड हैं। एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिदम सिलेक्शन है, इंसर्शन है, बबल सॉर्ट है। सबसे पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन वर्ड से माइंड में रखें, सेलेक्ट करना, पूरे डाटे में से सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे अगर हमने असेंडिंग बनानी है। डिसेंडिंग बनाएंगे तो सबसे जो बड़ी वैल्यू वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहली पोजीशन पे ले आएंगे। अच्छा, और ये समझेंगे वो पहली पोजीशन सॉर्ट हो गई, फिर फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाकी में से जो स्मॉलेस्ट होगा, या यूं करें कि सारे में से जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा उसको सेकंड पोजीशन पे पुट कर देंगे। इसी तरह काम चलता जाएगा और हमारी वैल्यू एरे सॉर्ट हो जाएगा।